नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मैं आ चुका हूं अपने वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध घाट जिसका नाम है अस्सी घाट। और तारीख के बारे में बात किया है तो आज है आपका 17 अक्टूबर। तो आज मैं सुबह सुबह अस्सी घाट का आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे, यह है सुबह का नज़ारा। सुबह के समय आपको अस्सी घाट पर ये देखिए चाय का स्टॉल, यानी कि यहाँ पर अगर आप सुबह सुबह आएंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे आपके दुकान है और चाय के स्टॉल। और सामने देख रहा हूँ जो कि विदेशी पर्यटक भी हैं अपने वाराणसी में अब आना शुरू हो गए हैं। ये देख रहे हैं ये कतार में गाड़ियाँ खड़ी हैं, टूटो भी खड़ा है, दो पहिया वाहन भी खड़ा है। और यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में यहाँ पर एक बोर्ड लग चुका है, ये देख रहे हैं प्रायोजक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जी, सुबह ये बनारस नित्य सूर्योदय से पूर्व, ये देख रहे हैं घाट संध्या प्रतिदिन सायकाल स्थान अस्सी घाट। और यहाँ पर देखें तो कई जगह आपके सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए एक विज्ञापन, यानी कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है श्री राम कथा, कथा स्थल जो है वह है मणि मंदिर के अंदर। तो चलिए ये है देखा जाए तो ये अस्सी घाट का ये है मेन प्रवेश द्वार। इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो यहाँ पर अभी योगा हो रहा है, तो चलिए मैं उसको भी दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है अपने वाराणसी के अस्सी घाट पर। और सामने है सुबह ए बनारस का मंच, दो बार का अभ्यास हमने किया। तो चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए साउंड लगा हुआ है और ये सुबह बनारस का मंच, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। श्वास ले पाए, जब शरीर कहे कि श्वास लेने में असमर्थता है उस समय विश्राम करें, बगल वाले की नकल करके अभ्यास बिल्कुल करें। आप अपनी शारीरिक क्षमता बनावट देखते हुए अपनी योग्यता देखते हुए चलते हैं बल लगाकर उस साइड। मैं उस साइड से भी आपको दिखाता हूं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तीसरी बार का क्रम दोनों हाथों पर। वर्तमान समय में देखिए गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है इस बार देव दीपावली में मनना मुश्किल हो। ये देख रहे हैं घाटों पर जगह नहीं है, देखा है तो अस्सी घाट जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसकी वजह से देख रहे हैं यहाँ तक जगह है। अगर यही गंगा का जल स्तर कम रहता तो यानी ये जो नावें देख रहे हैं जो खड़ा है वहाँ तक पूरा ये पूरा मिट्टी का ढेर रहता है। और वर्तमान समय में देखा है तो फिर से एक बार नाव का संचालन जो है वह शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देखिए आरती भी हो चुका है सुबह का 15 मिनट तक दौड़ने का लाभ। ये देख रहे हैं सुबह के समय देखा है तो आरती आपका यही पर होता है और शाम के समय होता है उस समय। ये सामने जो देख रहे हैं बहुत से लोग जो बैठे हुए हैं योगा कर रहे हैं, ये एक यज्ञशाला है। और यज्ञशाला से ही सटा हुआ एक मंदिर है जिसका नाम है श्री गंगा नव दुर्गा मंदिर, ये है मेन प्रवेश द्वार जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप सभी लोग अभ्यास करते हैं उसके पहले दो लंबे लंबे सांस ले लीजिए। ये देखिए सामने है पीपल का पेड़ और आगे जाने के बाद ये है शौचालय सामने। ध्यान
तो चलिए मैं आगे भी आपको लेकर चलता हूँ। और आगे जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, 80 घाट के बारे में हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये देखिए निःशुल्क मूत्रालय है और स्नान और उसके लिए टॉयलेट के लिए आपको पैसा देना होगा। जाने के लिए देखिए ये है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। और दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान समय में देखा है तो गंगा का जलस्तर इतना कम नहीं हुआ है कि यानी कि एक घाट से आप दूसरे घाट जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे शिवलिंग हैं, यहाँ पर देख रहे हैं पूजा हो रहा है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा है अपने वाराणसी के 80 घाट का। इस साइड देखिए हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा प्यारा सा। और देखिए सामने भी एक मंदिर है जो कि है श्री पंचरत्न मंदिर। ये देख रहे हैं इस साइड घाट है और घाट साइड स्नान हो रहा है, पूजा हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इस साइड से चलते हैं और इस साइड से चलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर गंगा का जलस्तर, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, क्या एक घाट से दूसरे घाट जाया जा सकता है। जैसा कि मैं बात कर रहा था विदेशी पर्यटक, देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि वाराणसी के सभी घाटों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हरिश्चंद्र घाट, विजयनगर घाट, केदार घाट, चौकी घाट, यानी कुछ लिखा भी है और कुछ खाली घाट का ही नाम लिखा हुआ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं गंगा का जलस्तर यानी कि इतना बड़ा हुआ है कि यानी कि आप 80 घाट से गंगामहल घाट के लिए नहीं जा सकते हैं। आगे जाने के बाद रीवा घाट है, रीवा घाट के बाद आपका आ जाता है तुलसी घाट और तुलसी घाट के बाद आ जाता है भदोही घाट। वो देख रहे हैं नाव का संचालन शुरू हो गया है, नाव भी चल रहा है जैसा कि आप देख रहे होंगे गंगा नदी में। और इसी प्रकार देखिए इस साइड भी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।